हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑन एनवायरमेंटल साइंस। दोस्तों, आज हम सीएफसी नंबर से केमिकल फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं और केमिकल फार्मूला से हम सीएफसी नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, और अपने दोस्तों के साथ शेयर किए ताकि आपको और आपके दोस्तों को मेरे चैनल की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे टॉपिक से एनटीए में क्वेश्चन पूछे जाते आ रहे हैं, और इसमें इसी टॉपिक से एनटीए में दिसंबर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछा था उसमें हमें सीएफसी नंबर फाइंड आउट करना था फ्रॉम हेलो कार्बन से। तो दोस्तों, इसका आंसर हम देखेंगे वीडियो के बाद, जो कि सॉल्व करेंगे आप खुद ही। तो पहले उसमें हम देखेंगे कि हम सीएफसी नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम अ गिवन केमिकल फॉर्मूला। जो हमें फॉर्मूला गिवन है उससे हमें सीएफसी नंबर कैसे फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हम सीएफसी को रिप्रेजेंट, सीएफसी के आगे जो नंबर होता है एबीसी मान लेते हैं, उसके आगे 3 डिजिट नंबर है एबीसी। तो जो इसमें सीएफसी में आगे ए होता है हमारा, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है -1, बी हमारा होता है हाइड्रोजन +1, सी हमारा होता है फ्लोरीन एटम्स। तो दोस्तों, आपको अभी समझ नहीं आया होगा, ये एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो हमारा सीएफसी में नंबर में केमिकल फॉर्मूला में जितना हमारा कार्बन होगा उसको -1 कर देंगे तो हमारा ए आ जाएगा, हाइड्रोजन में +1 कर देंगे, उस केमिकल फॉर्मूला में कितना हाइड्रोजन उसमें +1 करेंगे तो हमारा बी आ जाएगा, और नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम काउंट करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका एग्जाम्पल से देख लेते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। तो दोस्तों, हमें CCl2F2 हमें गिवन है, तो इसमें हमारा ए क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम कितना है दोस्तों हमारा C1 -1 0, तो ये हमारा 0 आ गया ए। तो उसी तरह हमारा बी देख लेंगे, बी क्या है, मतलब बी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, तो हमारा कितना है इसमें 0, इसमें +1 1, और हमारा सी क्या है, नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम, एफ कितना है 2 है। तो दोस्तों, जो हमारा नंबर हो जाएगा एबीसी, ए को लिखेंगे पहले 0 1 2, तो दोस्तों जो हमारा सीएफसी नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सीएफसी 0 1 2, जिसको हम 0 को हटा के 0 1 2 भी लिख सकते हैं। दोस्तों, ये तो हमारा था मेथड जिसमें हमें सीएफसी नंबर फाइंड आउट करे थे हम गिवन केमिकल फॉर्मूला से। लिख लेंगे कैसे हम गिवन सीएफसी नंबर से केमिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो हमें सीएफसी नंबर जो हमें गिवन है ऑलरेडी, हमें ये नोन होगा, एबीसी हमें नोन होगा, तो इसमें हम पहला स्टेप क्या करेंगे, जो भी हमें नोन एबीसी होगा उसमें हम ऐड कर देंगे 90। तो उसमें हम 90 ऐड करेंगे तो हमें एक नया 3 डिजिट नंबर मिलेगा, उस 3 डिजिट नंबर को हम रिपीट, फर्स्ट डिजिट को करेंगे रिपीट डी से, सेकेंड को ई से, थर्ड को एफ से। तो जो इसमें डी होगा हमारा कार्बन, और जो ई होगा हमारा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, एंड एफ होगा डायरेक्टली हमारा आ जाएगा एफ, एफ होगा फ्लोराइड एटम, नंबर ऑफ फ्लोराइड एटम। देन हमारा क्लोरीन एटम, क्लोरीन फाउंड फाउंड करेंगे 2d +2 -e -f, फार्मूला ये याद रखना पड़ेगा। तो इसका एग्जांपल देखा, ऑलरेडी जो हमने एग्जांपल सॉल्व किया दोस्तों, हम उसी एग्जांपल रिपीट कर रहे हैं। तो हमें नंबर दिया है 12, तो 12 में हमने 90 ऐड कर दिया तो हमारा 102 आ गया। तो हमारा जो पहला डिजिट है डी, देन एच हमारा एटम आ गया e0, और फ्लोराइड आ गया f2, तो हमारा फॉर्मूला है 2d 2 multiply d, डी हमारा कितना है 1 है -+2 -e कितना है हमारा 0, f कितना है -2 -e हो गया, तो हमारा कितना आ गया, हमारा क्लोरीन एटम 2 आ गया। दोस्तों, जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा CCl2F2। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल हमने स्टार्टिंग में देखा था वीडियो को, जो एंटी दिसंबर 2018 में पूछा गया था, उसका आंसर 115 आ रहा है। दोस्तों, आप सब अपना चेक कर लीजिए, आंसर 115 ही आना चाहिए। दोस्तों, आपको मैं एक्सरसाइज देके जा रहा हूँ 2 क्वेश्चन की, आप इस एक्सरसाइज को कीजिए और कमेंट करके हमें आंसर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि आपको मेरे वीडियो लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें।